नमस्कार, आप देख रहे आर्य न्यूज। दानापुर पुलिस ने 5 दिनों से लापता युवक का शव गुरुवार की दोपहर नासिरगंज नदी के नज़दीक से बरामद कर लिया। शव मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गई। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या कर उसके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया, जबकि पुलिस ने आशंका जता रही है कि युवक की मौत नदी में डूबने से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दानापुर के यदवंशी नगर के रहने वाले 23 साल का सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र नीतीश कुमार पिछले 13 फरवरी की शाम से तकिया पर सब्जी लाने के लिए निकला था। देर रात तक नीतीश जब घर नहीं लौटा तो उसका भाई राहुल ने दानापुर थाने में जा अपने भाई की लापता होने की सूचना दी। लापता की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने काफ़ी खोजबीन करने की प्रयास की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बीच गुरुवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि नासिरगंज गंगा नदी के नज़दीक एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को नदी से निकाला। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत कैसे हुई है और मौत के पीछे कारण क्या है। वो फिर उसके बाद मिसिंग हुआ था। हम लोग रात में 9 बजे से खोजना स्टार्ट किया तो नहीं मिला। फिर 14 तारीख को दानापुर थाना में क्षेत्रीय थाना में आवेदन दिया गया। उसके बाद आज के दिनांक आज नसरीगंज गार के एक प्राप्त हुआ। क्या किसी पर किस शक है क्या? नहीं सर, किसी पर कुछ शक। कैसे मौत हुई है? डूबने से उसको मौत हुई है। मृतक क्या करते थे? मृतक सर बीएड का पढ़ाई कर रहा है। शादीशुदा है? ना। मृतक कितने भाई हुए? 2 भाई। मृतक क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। आपका? राहुल कुमार। क्या हुए आप? हमसे आई थी। मृतक कौन है? भाई है सर।